subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So well, ladies and gentlemen, talent के महासंग्राम में जो कि next contestant आ रहे हैं, मैं आप दोनों आपकी तालियों के बीच में invite करना चाहता हूँ Nancy को. Nancy, please come on the stage. एक बार जोरदार तालियां Nancy के लिए. आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार. मैं नैन्सी आज आप सबको एक ऐसे विषय पर कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही गंभीर है. मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार. अपने मन में सोचा करती हूँ कई बार अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. नेता और अधिकारी सारे क्यों हैं मालामाल. मेहनत कश और मजदूर देश का हो गया है कंगाल. वीर सिपाही सीमा पर करता यही पुकार. अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. जिस थाली में खाना खाते ये छेद उसी में करते हैं. लात गरीब के पेट पर मार घर अपना ये भरते हैं. देश की जनता पर हो रहे अत्याचार. अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. खून चूसकर जनता का ये अपना राष्ट्र चलाएं. जो खाली रह जाए इनका पे नरभक्षी भी बन जाए. नहीं परवाह किसी की ये इस्तेमाल करे हेलीकॉप्टर या कार. अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. पशुओं का चारा खाते ये कोयले की कालीख लगाते ये. धरती माँ का सौदा कर उसे भी नोच खाते ये. बेधड़क होकर करते ये घोटाले बारंबार. अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. नीलाम देश को कर देंगे जो इनका बस चल जाए. भारत माँ को कर शर्मिंदा यह इसकी कोख लग जाए. बचपन में पापा कहते थे ईश्वर भाग्य विधाता है. जन्म देने वाली माँ से बढ़कर अपनी भारत माता है. आज ईमानदार और सत्यवादी बहुत हो चुका लाचार. अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. अनेक धर्म हैं अनेक भाषाएं फिर भी एक तिरंगा. हिंदू और मुस्लिम के बीच क्यों होता है दंगा. मैंने देखा इंसानियत को बिकते बीच बाजार. अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. कभी तो मानव जागेगा लिए बैठा यही आस. जो करेगा सो भरेगा. नैन्सी क्यों हुई उदास. कहते हैं इस जगत में मतलब का व्यवहार. अपने ही देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार. धन्यवाद. जय हिंद जय भारत. अगर आप इस शो में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं. जेकर तुसी इस शो विच भाग लेना चाहते हो तां स्क्रीन ते आ रहे नंबर्स ते व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हो.